हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। कार्तिक मास की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ, अनंत आशीष। आपका जीवन खूब समृद्धिपूर्ण हो, खूब वैभवपूर्ण हो। आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वो आपके जीवन से तिरोहित हो जाएं। यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी शुभकामनाएँ आपके लिए हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार जब कार्तिक मास प्रारंभ होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में अगर हम आत्मसात करें तो हमारा जीवन सदा हरा भरा रहेगा, सदा प्रसन्नता और आनंद से युक्त रहेगा। कार्तिक मास का क्या महत्व है, कार्तिक मास में क्या क्या आपको करना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कार्तिक मास में श्री हरि की पूजा का विशेष विधान है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी की पूजा करने से वर्ष भर आपके ऊपर कृपाओं का आशीर्वाद बना रहता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस महीने आप कुछ बातों का अगर ख्याल करें, कुछ उपाय अगर आप अपने अमल में ले आएं, तो आपका जीवन सदा निरोगी रहेगा, हरा भरा रहेगा, अच्छा रहेगा, समृद्ध रहेगा। तो कुछ मुख्य बातें जो कार्तिक मास में हमें ध्यान रखनी चाहिए, उनके बारे में आपसे आज अपने विचार साझा करते हैं। सबसे पहले कार्तिक मास में क्या होता है, जैसे शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शरद पूर्णिमा से अगले दिन से ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है, तो हमारे शरीर की कुछ गतिविधियों में फर्क आता है। चातुर्मास का जो कि अंतिम महीना है ये, तो इस महीने से हमारे शारीरिक क्रियाएं, हमारे शरीर की जो हमारी नाड़ी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो पूरा कॉस्मिक जोन के साथ कनेक्शन है, हमारे शरीर का जो ब्रह्मांड के साथ हमारा एक संबंध है, उसमें कुछ गतिविधियाँ परिवर्तित होती हैं, कुछ परिवर्तनों के बीच से हम गुजरते हैं। तो इसमें माना यह गया है कि अगर आप सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। और स्नान अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से ना कर सके, थोड़ा गुनगुना, जैसे पहले आपको याद होगा कि जो नल से पानी निकलता था ना, वो शरीर के तापमान के अनुसार होता था, उस जल से अगर आप स्नान करें और उसके बाद जो भी पूजा पाठ जो भी आपने करना है उसको आप करें, तो आपका जीवन बहुत सुखमय और अच्छा होता है। तो तुलसी की पूजा करने से भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमारे जीवन पर आती है और हमारा जीवन अच्छा होता है। और इन दिनों चूँकि ताप गिरता है, सर्दियाँ बढ़ती हैं, ठंड बढ़ती है, तो थोड़े ताप के प्रभाव से तुलसी की शरीर वृद्धि में भी लाभ मिलता है, तुलसी ठीक से बनी रहती हैं। और रात्रि में जब तापमान डाउन होने से उस पौधे को जो प्राणवायु प्राप्त होती है, उस प्राणवायु का प्रताप आपको मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से। ये इसके पीछे एक बॉटनिकल एक वजह है, लेकिन धार्मिक वजह यह है कि शाम को दीप दान करने से, यानी घर के पास में जहाँ भी आपने तुलसी का एक पौधा रोपा हुआ है, जहाँ भी तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाने की कोशिश करें, ईशान्य में तुलसी के पौधे को स्थापित करने का प्रयास करें और उस तुलसी के पौधे के पास आप दीप दान करें, एक दीपक जला करके, एक दीपक जगा करके रख दें। ये दीपक भी आपने ऊर्ध्वगामी रखना है, जैसे बीच में पिन होती है बीच में, और कलावे की बत्ती का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा रहेगा। ये काम आप कर लें। स्नान आपका हो गया, ध्यान आपका हो गया, इसके साथ संध्या प्रार्थना आपने कर ली, श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, श्री सूक्त बहुत लाभकारी है। देखिए, महालक्ष्मी का ही सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा विधान और सबसे बड़े पंच पर्व इसी महीने में आते हैं, जो अभी शुरू होंगे हमारे धनतेरस से, और उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन, ये इस तरह से हमारे पांच पर्वों की एक व्यवस्था इसमें पूर्ण होती है। तो उसको हम इसी महीने में आने से उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन पर्वों पर अलग अलग ढंग से बात करेंगे, हर त्यौहार पर एक अलग तरह से हम सोच रहे हैं, कोशिश करते हैं, और ये जल्दी ही आप तक इस तरह के संदेश को, इस अंक को भेज सकेंगे, ताकि आप अपनी तैयारियाँ भी उस हिसाब से कर लें। तो आप तुलसी के पास दीपक को प्रदीप्त करें, आप प्रतिदिन सवेरे स्नान करने का प्रयास करें और अपने भोजन में भी थोड़ा सा संतुलन रखने का प्रयास करें। गर्म तासीर की चीज़ें और अच्छी चीज़ें जो पौष्टिक हैं उनको अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। अभी इन दिनों गाजर चुकंदर आने लगता है बाज़ार में। गाजर चुकंदर और टमाटर अगर अपने घर में आप
इसका मिक्स करके एक जूस निकाल सकें तो ये छोटे बच्चों के लिए तो अमृत तुल्य है, स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है, उनके एनीमिया की प्रॉब्लम को समाप्त कर देगा, और पुरुष भी इसको पिएंगे तो उनके शरीर में एनर्जी और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और उनका जीवन अच्छा रहेगा, पूरे दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। घर में निकालना है, बाज़ार में नहीं पीना है। गाजर लाएँ, अच्छी सी लाल रंग की जो गाजर बड़े वाली आती हैं जो सर्दियों में आती हैं, उसको अच्छे से छीलें, ऐसे चुकंदर लें, 5-6 गाजर ले लें, 2 चुकंदर या 1 चुकंदर ले लें और 2 टमाटर ले लें। ये इतना बढ़िया एनर्जी का स्रोत है, इसका अपने जीवन में आप इस्तेमाल करें, दिन में पिएं और ये कोशिश करें कि इसको 12-1 बजे तक पी लें, क्योंकि हमारा शरीर का जो तापमान है, हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है वो सूर्य के हिसाब से चलती है, तो संध्या काल में 3-4 बजे के बाद किसी प्रकार का कोई भी जूस कभी भी इनटेक नहीं करना चाहिए, फल भी नहीं खाने चाहिए 4 बजे के बाद, जो फ्रूट्स वगैरह हम सेवन करते हैं नहीं करने चाहिए, सवेरे करिए उनको सेवन, ये आप कर लीजिए। और इसके साथ साथ दीपदान अपने घर में तुलसी के पास तो दीपक प्रदीप्त करेंगे ही, अगर आप किसी पोखर में, किसी सरोवर में, किसी नदी में, किसी यमुना में, किसी गंगा में, कहीं उसके किनारे भी जितना संभव हो कि उसके 3 बार, कम से कम 3 बार कर लें, अधिकतम 21 बार कर लें, कि बहुत शानदार उपाय है। अगर आप दीपदान करते हैं, एक पत्ता ले लें, एक पत्ता आता बड़ का या किसी भी चीज़ का पत्ता ले लें, या कसौरा ले लें, या बना बनाया जो बाजार में एक दोना आता है वो ले लें, थोड़े से उसमें फूल रखें, कुछ चावल रख दें, अक्षत रखें और उसमें एक दीपक रख दें, मिट्टी का दीपक रखना है उसमें। जब घर में जगाएंगे तो किसी भी मेटल का, किसी भी तरह का दीप जगा सकते हैं, जब आप उसको जल प्रवाह करेंगे तो मिट्टी का दीपक प्रवाह करेंगे, और जल प्रवाह करते समय चूँकि अब यहाँ पूर्वज हमारे संबद्ध होते हैं, जो नदी है सबसे बड़ी हमारी पूर्व माता मानी गई हैं, सबसे बड़ी पूर्वज हैं जो नदी हैं हमारी, और इन्हीं नदी में जो ब्रह्मा जी ने जो क्रिया की थी और जो पितरों के विसर्जन का प्रक्रिया शुरू हुई थी वो गंगा के किनारे हुई थी, तो हमारे पितरों को भी रिप्रेजेंट करती है ना गंगा नदी, यमुना नदी, ये हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ दीपक में बदलाव आ जाएगा छोटा सा। अगर आप दीपदान किसी नदी सरोवर के किनारे करते हैं और वो अगर प्रवाहित है, बह रहा है, तो उसमें आपने लेटी हुई बत्ती लगानी है, अब आपने चाहे कलावे की लगाएं चाहे रुई की लगाएं, अब ये पितरों की प्रक्रिया शुरू हो गई, ये थोड़ा सा अलग तरह का, आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप थोड़ा सा सोचेंगे कि इसमें परिवर्तन कर रहे हैं गुरुजी, तो लेकिन परिवर्तन इसमें ज़रूरी है। तो यहाँ आप लेटी हुई बत्ती का प्रयोग करेंगे, मिट्टी का दिया जो जल प्रवाह करना है, इसके बाद घर में करेंगे तो उसमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुलसी के पास दीपक लगाएंगे तो ऊर्ध्वगामी होगा, यह शुभत्व के लिए है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने जीवन से निष्कासित करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके प्रति हम धन्यवाद करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में शिकायतों से भरी होती हैं, जिनसे हमारे जीवन में शिकायतें भर जाती हैं, उनसे उनका हम उन्मूलन करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन से पृथक करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके शुभत्व का, देवत्व का विस्तार हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएँ, ऐसे तंत्र, ऐसी चीज़ें, ऐसे तत्व हैं जिनको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सबकी प्रक्रियाएं, सबके विधान, सबके पोस्चर्स, सबकी मुद्राएं अलग अलग होती हैं, अगर इन चीज़ों को हम समझ लें, सीख लें, कर लें तो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। अगर आप दीपक में, मिट्टी के दीपक में गोघृत नहीं रख सकते और वो आपको लगता है कि संभव नहीं है और नदी के किनारे जाके थोड़ा बिखर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उसका एक और भी उपाय है। यहाँ आपने ज्योत को प्रवाहित करना होता है, इसमें दूसरा एक विकल्प ये भी आता है कि आप एक मिट्टी के दीपक में एक कपूर की छोटी सी बड़ी टिक्की ले लें, आइसोबोरनल फ्लैक्स ही यूज़ करना है, ये धुएं वाला कपूर नहीं, जो बाजार में ज़्यादातर मिलता है इसमें वैक्स होता है, जो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑफ कैम्फर लैंप, उसमें हमने विस्तार से बताया है कपूर के बारे में। तो यहाँ आपने कपूर की एक टिक्की रखें जो कम से कम 3 मिनट कम से कम जगी रहे, 2-3 मिनट जगी रहे, उसमें दीपक में कपूर की बत्ती रखें, उसको किसी पत्ते पर या दोने में रख करके उसे भी प्रवाह कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई किया कराया है, कोई टोना टोटका है, उससे भी हमें मुक्ति देता है। तो ये आप कर लें, नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें तो अति उत्तम है। इस क्रम में आप सबसे पहले नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर नारायण हृदय स्तोत्र के पाठ से ही उसको बंद करेंगे। ये इस दोनों तरफ नारायण हृदय स्तोत्र आता है और बीच में लक्ष्मी हृदय स्तोत्र आता है। जब आपको इस विधि विधान और इस सावधानी से करेंगे तो आपको लाभ उसका प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, और ये आप प्रक्रियाएं कर लें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस मास में बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कार्तिक मास में कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें अच्छी होने लगी हैं और आपके जीवन में शुभत्व का विस्तार हो रहा है, आपके जीवन में देवत्व का विस्तार हो रहा है, आपके जीवन में ईश्वरीय तत्वों का विस्तार हो रहा है, यही तो हमारा उद्देश्य है। ओम स्वस्ति अस्तु।